ढाका रेलवे स्टेशन इन बांग्लादेश गाइस। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, ये देखो यार, अरे भाई साहब, ये देखो भाई, यहाँ पे देखो, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये दुनिया की सबसे क्राउडेड ट्रेन। विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डरिंग मैनिया गाइस। तो अभी फिलहाल हम लोग ढाका में, द बेस्ट पार्ट इज गाइस अभी चल रहा है यहाँ पे बांग्लादेश में ईद का माहौल, बांग्लादेश में नहीं है, दुनिया भर में चल रहा है अभी ईद का माहौल। तो यहाँ पे बोलते हैं यू गाइस से कुर्बानी, कुर्बानी का ईद, तो यहाँ पे कुर्बानी का ईद बोलते हैं। बट फिलहाल आज हम एक्चुअली भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे। एक्चुअली ईद के टाइम पर अगर आपको नहीं पता तो बांग्लादेश में कुछ अराउंड 50-60% लोग ढाका छोड़ के निकलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ढाका में काम करते हैं, वो लोग ओवरऑल ऑल ओवर फ्रॉम बांग्लादेश आके काम करते हैं, और ईद के टाइम पे सभी को घर जाना होता है, तो कुछ 50-60% लोग ढाका छोड़ के जाते हैं। तो आज हम लोग फिलहाल, नाउ वी आर एट कमलापुर स्टेशन, एंड ऑल्सो दिस इज जाहिद भाई हु इज़ हेल्पिंग मी टुडे टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि आज एक्चुअली काफ़ी भसड़ देखने वाले हम लोग, काफ़ी सारे लोग देखने वाले हैं। आई थिंक जब मैंने ये वाला कुछ आज का जो सीन देखने वाला हूँ मैं, ये जब मैं पहली बार यूट्यूब में देखा था वीडियो, मेरा सर चकरा गया था यार, कि ऐसे भी क्या लोग ट्रैवल करते हैं भाई। यहाँ पे सारे लोग देखो यार, ये सारे लोग अभी टिकट काउंटर पर बैठे हैं, मतलब खड़े हैं, अभी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और हर जगह भाई लोग ही लोग हैं। भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ यार काफ़ी ज़्यादा, आज जो माहौल भाई, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है भाई यहाँ पे ट्रेन में, स्पेशली आज के, आज ईद के टाइम पे, क्योंकि सारे लोग छोड़ कर जाते हैं ढाका और सीट ही नहीं बचती यार ट्रेन में, और इतने लोग होते हैं यहाँ पर भाई। तो ये है माहौल अभी कमलापुर रेलवे स्टेशन का, और अभी जितने भी लोग देख रहे हो आप लोग, ये मैक्सिमम लोग अभी निकलने वाले हैं ढाका से ट्रेन में, और देखते हैं भाई कैसा रहता है। आई थिंक मैं तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन में चढ़ नहीं पाऊँगा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा ट्रेन में चढ़ने के लिए, बट मुझे लगता नहीं है कि मुझे जगह मिलेगी, इतने सारे लोग हैं। और जैसे मैंने इसके पहले सीन देखा है ये स्पेशली ईद के टाइम का, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे मिलेगा मौका कि मैं चढ़ पाऊँ, बट तभी भी कोशिश करेंगे यार कि भाई आप लोगों को दिखा सकूँ मैं जर्नी हमारा। भाई यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, और ट्रेन के ऊपर देखो भाई, ऊपर तक लोग बैठे हुए हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, वहाँ पे भाई सारे, वहाँ पे ऊपर सारे भाई, मैं लाइफ में कभी ऐसा कुछ सीन नहीं देखा यार, मुझे पता नहीं ये सेफ है कि नहीं, सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं यार ट्रेन के। ये देखो भाई ऐसे चढ़ रहे हैं भाई यहाँ पे लोग, शिट मैन, शिट मैन, शिट मैन, भाई 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 यार, ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट फॉर 6 or 7 hours एंड दे आर ट्रैवलिंग लाइक दिस फॉर 7 hours. तो भाई यहाँ पे गोइंग टू ऑलमोस्ट 400-500 kilometers. तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कुछ 6 से 7 घंटा ये लोग ट्रैवल करने वाले हैं बोल रहे हैं, और ये भाई माहौल, मुझे नहीं पता यार ये कैसे ट्रैवल करते हैं लोग, बट एक्चुअली देखा जाए तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ट्रेन में जगह ही नहीं है यार, ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो अभी तो और धीरे धीरे और बढ़ेगी भीड़ यहाँ पर। भाई मुझे पता नहीं ये वाली ट्रेन किधर जा रही है, बट ये वाली ट्रेन में भीड़ देखो आप लोग यार, यार कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के जा रहे हैं यार ऊपर तो सारा। यहाँ पर देखो भाई माहौल यार, अंदर यहाँ पर देख सकते हो भीड़, पूरा ट्रेन भरा पड़ा है यार यहाँ पे, देखो यार कैसे चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, ये देखो भाई ये धकेल रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी ट्रैवल करूँ ऐसे ही कहीं पे ऊपर चढ़ के, पर पता नहीं, ये देखो भाई, ये देखो भाई ऐसे चढ़ा जा रहा है यहाँ पर अभी भाई साहब। यहाँ पे देखो भाई पैर रखने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे, अरे भाई साहब यार क्या ट्रेन है यार ये। जाहिद भाई कहाँ जा रहा है ट्रेन, ये ट्रेन कहाँ जा रहा है? राजशाही, राजशाही जा रहा है, नॉर्थन पार्ट ऑफ बंगाल। कितना टाइम लगेगा? 8 hours. तो दिस पीपल विल ट्रैवल लाइक दिस फॉर 8 hours. क्रेजी क्रेजी गाइस, क्रेजी यार भाई, 8 घंटे ऐसे ऊपर बैठ के भाई। ट्रेन छोड़ी है अभी, अभी देखो भाई यहाँ पे भाई 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 यार यार यार, अरे अरे भाई साहब,
भाई यहाँ पे हेलो करके जा रहे हैं यार सारे। चलो यार इनको सेफ जर्नी, मोस्ट प्रोबेबली शायद हम अगली ट्रेन चढ़ेंगे। भाई ऊपर की हालत देखो, बस आप लोग ऊपर की हालत देखो आप लोग यार। ओ भाई साहब इधर देखो भाई, भाई अभी और एक ट्रेन आ रही है, इस वाले ट्रेन में चढ़ने वाले यार हम लोग। बाकी अब यहाँ पे भीड़ देखो यार, यहाँ पे वाले ट्रेन में भाई ये वाली इंजन देखो यार। और ये सारे ट्रेन, ये सारे जो लोग पैसेंजर्स हैं सारे, ये ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। ऊपर से देखो भाई भाग यार, भाई पूरा माहौल देखो यार यहाँ पे। अरे भाई साहब क्या है यार ये, इसके अंदर सारे घुसे हुए हैं यार। शायद ये लगेज कंपार्टमेंट है शायद यार ये। भाई सही बोल रहा हूँ, लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा यार मैंने। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, ये देखो यार। अरे भाई दब गया यार, अरे भाई यार मैं पीछे हट गया यार, भाई ये नहीं हो पाएगा यार, ऐसा लग रहा है झुंड के बीच में फंस गया मैं। भाई साहब यार देखो वहाँ पे पूरे चढ़ गए, ये देखो भाई यहाँ से देखो भाई, इन भाई साहब को देखो भाई। अब ये है ढाका रेलवे स्टेशन इन बांग्लादेश गाइस, ड्यूरिंग ईद ऐसे ट्रैवल करते हैं यार लोग। भाई यार यार भाई उस तरफ देखो यार, भाई साहब यहाँ पे देखो यार, ये देखो ऐसे चढ़ रहे हैं। गजब है यार, गजब गजब दादा। हेलो यार भाई ये देखो यार, यहाँ पे ये माहौल देखो यार, लाइफ में कभी ऐसा माहौल देखा है यार? तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कहाँ पर देखा है यार, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे यार। अरे भाई साहब इस भाई को देखो यार, कैसे ट्रैवल कर रहे यार, कैसे ट्रैवल कर रहे यार ये यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब ये देखो भाई, ये देखो भाई क्या देख रहा हूँ यार मैं, ये भाई क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या हो क्या रहा है भाई, ये देखो यार भाई जहाँ से मौका मिल रहा है वहाँ से चढ़ रहे हैं यार यहाँ के लोग, थोड़ा सा भी छेद मिल जाए वहाँ से घुस रहे हैं सारे लोग। क्यों ना चेन मामा भालो, ये देखो भाई यार लेडीज जेंट्स सारे चढ़ रहे हैं भाई, ये देखो भाई ऊपर देखो यहाँ पे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब यार तोड़ ही दिया यार ये, तो जो बोर्ड है वही टूट गया यार यहाँ पे। भालो अचेन मामा, भालो अचेन तो क्या बोला ना, मेरे को समझ तो आया नहीं भाई मेरे को, ये देखो। अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भाई साहब नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, यहाँ पे ऊपर चढ़े यार अभी।
चढ़ नहीं रहा था ऊपर, मेरे को डर लग रहा था। बट फिर बाद में हमारे साथ जो भाई थे उन्होंने बोला कि वहाँ पे लोग होंगे और उतना भी रिस्की नहीं है, कर सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे कर रहे हैं, तो मैंने बोला ट्राई करते हैं यार। तो ये भाई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यार, ऐसा मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करा भाई। इतना था सेफ तो प्रॉब्लम बोले ना भाई ना ना बोल तो भाई को बोल रहा हूँ मैं कि गिरेंगे इतनी, तो भाई बोल रहे हैं अगर गिरना होता तो इतने सारे लोग चढ़ते क्यों। बता दी क्या मामा बता दी जक्शन बताए टोंगी टोंगी जक्शन की नाम अपना अलास। तो वो अलास भाई यहाँ पे हम दोस्ती बना रहे हैं यार। अपना नाम भाई मोहम्मद रासिल भैया। आपका मोहम्मद रासिल यासर यासर। तो ये भाई इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ये भाई ट्रेन जर्नी यहाँ पे। और ये आप एक्सपीरियंस करोगे गाइस साल में बस दो बार, जब ईद होता है इसके पहले। जब आपको बांग्लादेश के मानुष के अनेक पसंद करें है, बांग्लादेश खूब भालो लगे, खूब भालो लगे इसने आसन है 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 है। इंडिया 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 है भाई, हमारे ट्रेन है वो शुरू हो गई अभी। और ये माहौल, और ये भाई मेरी शक्ल अभी पूरे पसीने से लथपथ है यहाँ पे, इतनी गर्मी लग रही है यार यहाँ पे। और हमारी ट्रेन जो है शुरू हो चुकी है। ये दुनिया की सबसे क्राउडेड ट्रेन जो आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हरदम डिस्कम्फर्ट को हरदम हम लोग ने आगे रखा है, और यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि मैं यहाँ पे चढ़ पाया। लाइफ में हरदम अनकंफर्टेबल रहना है गाइस, तभी ज़िंदगी में सीख पाओगे आप कुछ। और यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे लोग भाई ये ट्रेन ना एक्चुअली ज़्यादा मूव नहीं कर रही, तो थोड़ी सी यूं यूं हो रही है, और मेरी भाई फट के हाथ में आ रही है यार। लाइफ में कभी ऐसे इस माहौल में ट्रेन में ट्रैवल नहीं करा यार 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 भाई कुछ आप ना तो भाई बॉय लाइस है भाई बॉय लगा नहीं करता तो भाई को बोल रहा था कि डर लग रहा है, तो भाई बोल रहे हैं डर लगना भी चाहिए और फिलहाल फाइनली मैं जो यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन है, एयरपोर्ट स्टेशन में उतर गया मैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह क्राउड देखो भाई, वहीं पे बैठा था मैं ऊपर, अभी वहाँ से उतरा, अभी मैं वहाँ से देख रहा हूँ वहाँ पे चढ़ रहे हैं लोग। और भाई सबसे सही बताऊँ तो मैं चढ़ने से ज़्यादा उतरने में फटी है मेरी, मेरा हार्ट ब्रेक रुक चुका था यार, सही बताऊँ, क्योंकि आसान नहीं है यहाँ पे चढ़ना उतरना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये देखो आप ऐसे चढ़ रहे हैं भाई यहाँ पे। बट फाइनली जो भाई थे हमारे, मेरे साथ जो भाई थे यार, उन्होंने बहुत हेल्प करा यार, उनके बिना मैं नहीं उतर पाता। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, एंड आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस ट्रेन जर्नी का मैंने लाइफ में कभी नहीं करा, एंड दिस वॉज सो क्रेजी जो आप लोगों ने देखा। मैं तो यार सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, बट फाइनली हमने वो एक्सपीरियंस करा। बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आप लोगों को एड्रेस करने का ये वाले वीडियो के बारे में, ये है कि भाई ये बांग्लादेश में रोज़ नहीं होता। नंबर वन, ये बस ईद के टाइम पे होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ढाका में अराउंड 60-70% लोगों को ढाका छोड़ना पड़ता है, और ढाका में बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जैसे मैंने आप लोगों को इसके वाले वीडियो में कहा। और एक ही टाइम पर जब इतने सारे लोगों को निकलना होता है अपने घर के लिए, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता रैदर देन ट्रैवलिंग लाइक दिस। और एक बड़ा रीज़न अगर आप सोचो कि ये लोग ऐसे क्यों ट्रैवल करते हैं यार, मतलब ट्रेन के ऊपर चढ़कर, तो जो मैंने लोकल से बात करके पता करा है कि जितने भी मैक्सिमम ट्रैवलर्स होते हैं जो ऐसे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, वो डेली जॉब सीकर्स होते हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ जितना कमाते हैं उसके हिसाब से वो लोग स्पेंड करते हैं। और क्योंकि ईद के टाइम पे उनको घर पे जाके सेलिब्रेट करना होता है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जितना पैसा सेव कर सके उतना पैसा सेव करें। और क्योंकि आप ट्रेन के ऊपर अगर चढ़ोगे तो आपको ऑफ कोर्स ट्रैवल की जर्नी की
ट्रैवल जर्नी का पैसा देना नहीं पड़ेगा। इन द अदर साइड जो पैसा वो सेव करते हैं वो फिर अपने फैमिली के साथ मतलब स्पेंड करना चाहते हैं ईद के टाइम पे। तो दिस वाज द मेन रीज़न व्हाई पीपल ट्रैवल लाइक दिस। एंड अगेन मैं बताता हूँ, ये रोज़ बांग्लादेश में नहीं होता, ये बस ड्यूरिंग ईद के टाइम पे होता है। मेरे लिए पर्सनली ये एज ए एडवेंचर था, बट उनके लिए यार ये पार्ट ऑफ शायद रूटीन था, या फिर यू नो कुछ ऐसी चीज़ जो शायद ये लोग हर साल 2 से 3 बार ट्रैवल करते होंगे, क्योंकि उनको मजबूरी है कि वैसे ट्रैवल करना है। बट एनी वे दिस वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक करना, कॉमेंट करना मैं व्यूज़ कि आपको ये जर्नी कैसे लगी और आपके क्या ओपिनियंस है ये स्पेसिफिक ट्रेन जर्नी के बारे में। एंड शेयर करना गाइस, अंटिल देन खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश करिए, एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।